क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को एक मछली का रूप, जानेंगे इस वीडियो में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रसिद्ध 10 अवतारों में से एक है। महाविष्णु ने मत्स्य अवतार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और पृथ्वी को भारी बाढ़ों से बचाने और साथ ही राक्षस हयाग्रीवा से वेदों को बचाने के लिए अवतार लिया था। आइए जानते हैं इस अवतार के बारे में विस्तार से। एक बार सतयुग में हयाग्रीवा नाम का एक राक्षस था जिसने वेदों को ब्रह्मा जी से चुरा लिया था और समुद्र में कहीं गायब हो गया था। ब्रह्मा जी जानते थे कि जब तक वो शुद्ध नहीं होंगे पृथ्वी पर लोग वेदों को उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो जानते थे सामाजिक मूल्यों की गिरावट आई है और मानवता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने पृथ्वी पर अनुकूल माहौल बनाने और मानवता को नष्ट करने के लिए शिवजी से मदद मांगी। विष्णु भगवान को जब शिवजी की बाढ़ की योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। यही कारण था कि विष्णु भगवान को मत्स्य अवतार लेना पड़ा। और उसी समय एक बड़े ही धार्मिक और पवित्र राजा सत्याव्रता या फिर वेवास्वाता मनु, जो दक्षिण भारतवर्ष पर राज करते थे, एक दिन जब राजा कृतमाला नदी पर सुबह की प्रार्थना करने वहाँ गए और उन्होंने जब थोड़ा सा पानी नदी में से अपने हाथों में लिया तो उन्होंने देखा एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। जब उन्होंने उस मछली को पुनः पानी में डालना चाहा तो वो मछली ने प्रार्थना की और उन्हें बोला कि वो उसे बचा ले और अपने साथ ले चले, नहीं तो बड़ी मछलियाँ उसे खा जाएगी। तो राजा बड़े ही दयालु थे, उन्होंने अपने साथ उस मछली को साथ ले लिया और राजमहल ले आए और एक पानी से भरे पात्र में उसे डाल दिया। वो मछली बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही थी। जिस पात्र में उसे रखा था वो अब छोटा पड़ने लगा था, तो वेवास्वाता मनु ने उस मछली को एक बड़े पात्र में डाल दिया। लेकिन वो मछली कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही थी और वेवास्वाता मनु को बार बार वो पात्र बदलना पड़ा, पहले छोटे से बड़ा और बड़े से फिर और बड़ा। फिर वेवास्वाता मनु के पास जब कोई ऐसी जगह नहीं रही, ना ही ऐसा कोई पात्र रहा जहाँ वो उस मछली को रख सके, तो उन्होंने फिर उस मछली को तालाब में डाल दिया और फिर तालाब से नदी में और फिर आखिरी बार नदी से समुद्र में। मछली ने राजा वेवास्वाता मनु को धन्यवाद दिया और साथ ही राजा को वचन दिया कि वो वापस आएगी राजा को भारी बाढ़ों से बचाने। इसी बीच मछली ने राजा को वनस्पतियों से सर्वश्रेष्ठ बीजों और जीवों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी सलाह दी कि एक विशाल जहाज का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर जैसे ही बाढ़ का समय आया, जहाज बनके पूरा हो गया और राजा ने सबको जहाज पर इकट्ठा कर लिया। फिर भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और साथ ही नाग वासुकी को भी अपने साथ लाए। फिर नाग वासुकी की सहायता से मछली के सिंह से जहाज को बांध दिया और मछली जहाज को बाढ़ पर आगे खींचने लगी। तभी वेवास्वाता मनु ने विष्णु भगवान से पूछा कि क्यों मानव जाति को ऐसे घातक भाग्यों से गुजरना पड़ा, जिसके लिए मत्स्य अवतार ने मनु को बताया कि वो अकेला ही नैतिक व्यक्ति जीवित था और वो पुरुषों की भावी पीढ़ी का पिता होगा। फिर जब बाढ़ बढ़ने लगी तो हयाग्रीवा राक्षस बाहर आया और मत्स्य अवतार ने हयाग्रीवा राक्षस का वध किया और वेदों को ब्रह्मा को वापस लौटाया। फिर वेवास्वाता मनु ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और देवताओं के आशीर्वाद से मनु और उसकी पत्नी शतरूपा ने मानव जाति को जन्म दिया। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अब हमें इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।